जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें हमारी जिंदगी में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है। गुरु की महिमा तो हम सब जानते हैं, लेकिन गुरु के बारे में मैं आपको कुछ और चीजें आज बताना चाहता हूँ कि गुरु आज हमारी जिंदगी में वो व्यक्ति है जो हमारी हर उस जगह पर मदद करता है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है हमारे सारे रास्ते बदल गए हैं और आकर हमारे जीवन की नैया को पार लगाने का वो सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होता है। तो गुरु हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो एक गुरु और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए एक गुरु और शिष्य के बीच में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जीवन में गुरु बनाने से पहले आप हजार बार सोच लीजिए कि किसको आप गुरु बना सकते हो, और आप जब एक बार गुरु बना लो तो आप अपने जीवन में एक बार भी उन पर शक मत करना। गुरु दो तरह के हो सकते हैं, जैसे हम सब जानते हैं महाभारत में दुर्योधन का गुरु कहीं ना कहीं मामा शकुनी और अर्जुन का गुरु कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण थे, और यही कारण है कि आज महाभारत में क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो जीवन में गुरु बनाना बहुत ही जरूरी है, और गुरु के और शिष्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर बताता हूँ। और ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची का जो एक प्लेन में सफर कर रही थी, और प्लेन में सफर करते करते अचानक कुछ ऐसा हुआ प्लेन में कि जहां पर उस बच्ची के साथ में जब वो बैठ के अपने खिलौने के साथ खेल रही थी तब प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि प्लेन अचानक से हिलने लगी। प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे वो सब लोग डर गए, और उन लोगों ने बहुत सारी चीजें भगवान से प्रार्थना करने शुरू की, भगवान हमें बचा लीजिए, और बहुत सारे लोगों ने भगवान से मिन्नतें करना डरना शुरू किया। लेकिन बच्ची अपने ही मस्ती में अपने गुड़िया के साथ में खेल रही थी, और ये चीज देखते देखते एक बाजू में बैठे हुए इंसान ने उस बच्ची से पूछा, हमें इतना डर लग रहा है, तुम्हें इतना डर क्यों नहीं लग रहा है, क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि क्या चीजें हो रही है, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है और क्या है ऐसा। तो बच्ची ने कहा कि मुझे डर इसीलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्लेन को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो मेरे पापा हैं, और मुझे मेरे पापा पर भरोसा है, ये कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर गुरु का भी महत्व होता है। जीवन में हमें अपने गुरु पर उतना ही भरोसा करना होता है जितना हम अपने सबसे अच्छे और सबसे विश्वसनीय इंसान पर करते हैं, क्योंकि गुरु जब आपको कुछ बताता है तो शायद हो सकता है कि वो शुरू में आपको असंभव लगे, शुरू में वो शायद थोड़ा आपके विचारों के विपरीत लगे, और शुरू में हो सकता है थोड़ा आपको कष्टकारी हो, लेकिन गुरु को पता होता है कि आपकी क्या क्षमता है, और आपकी क्षमता के हिसाब से वो आपको आपके राह दिखाता है। तो गुरु जब भी कोई चीज ऐसा करता है, कहता है कि जो शायद आपकी समझ में अभी नहीं हो रहा है, तो आप उस पर भरोसा जरूर कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो आपकी सारी ताकत और सारी कमजोरियों के बारे में जानता है, और वो आपको निकालने की क्षमता भी रखता है। तो इसीलिए हमारे जीवन में गुरु बहुत ही जरूरी है, और गुरु बनाकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कहा जाता है हमारे भारत में कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, अर्थात गुरु जो है हर एक माध्यम से सबसे ज्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन के अंदर, वो शायद भगवान से और बाकी सबसे भी ज्यादा हमारे जीवन में महत्व रखता है। और आज देखिए हम जितने भी महान लोगों को जानते हैं वो लोग आज अपने जीवन में सफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उनके गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और इसीलिए हमें हमारे जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और गुरु बनाने के साथ साथ में हमें हमारे जीवन में उस गुरु के ऊपर भरोसा करना भी बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम सब अपने जीवन में गुरु बनाएं और उस गुरु के साथ में हम भरोसा भी करें। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने गुरु को ये चीज बताइए कि मुझे आप पर भरोसा है, और अपने गुरु पे समर्पित हो जाइए जैसा आपका गुरु चाहते हैं, आप वैसा कीजिए, आप जीवन की हर उस मुकाम को हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। धन्यवाद।